Hi everyone, myself Brijesh Moria, certified wellness coach and the Blue Diamond Director in Dr. Nature Wellness Family. आज फिर से एक नए खास वीडियो में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो वीडियो है वो डॉक्टर नेचर के बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग है और ऑलरेडी इससे पहले मैं बिजनेस प्लान से रिलेटेड 3 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ और आज ही उसी कड़ी में ये चौथा वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले जो 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने डॉक्टर नेचर क्यों करना चाहिए, आज के मार्केट के हिसाब से क्या यूएसपी है जो बाकी कंपनियों से बेहतर बनाती है, ये मैंने बताया। सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने बताया एज ए कंज्यूमर, अगर आप किसी को रिक्रूट नहीं करते, टीम नहीं बनाते, फिर भी ज्वाइनिंग से सिर्फ परचेज करने या सेल करने से एज ए कंज्यूमर क्या बेनिफिट है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी। थर्ड वीडियो के अंदर मैंने बेसिक स्टार्टिंग लेवल का प्लान डिस्कस किया था कि 0 लेवल से डायरेक्टर लेवल तक आपको कितने प्रकार की इनकम मिलती है और कैसे कैसे मिलती है। और आज 4th वीडियो के अंदर मैं मिडिल के प्लान में डिटेल में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से 2nd लेवल से लेकर 5th लेवल तक, यानी कि ब्रॉन्ज से लेकर रूबी डायरेक्टर लेवल तक आपको इनकम मिलती है, कैसे आप अचीव करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, ये मिडिल का जो लेवल है इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्टली आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इससे पहले की 3 वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करके पहले की 3 वीडियो जरूर समय निकालकर देखिएगा, जिससे कि डॉक्टर नेचर वेलनेस का पूरा प्लान आपको समझ में आ सके और इसकी जो भी विशेषताएं हैं वो आपको समझ में आ सके। तो आइए फाइनली हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात करते हैं आगे के प्लान के बारे में। इसके पहले हमने डायरेक्टर लेवल तक की बात की थी और डायरेक्टर लेवल के बाद जो अगला जो लेवल आता है दैट इज ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल हम कैसे हासिल करते हैं पहले ये देखते हैं। सबसे पहली चीज जो है आपका पहले से जो लेवल होता है वो डायरेक्टर होता है और डायरेक्टर बनने के बाद आपको अपनी चारों लेग्स में से किसी भी एक लेग में एक आदमी को डायरेक्टर बनाना होता है, यानी कि डायरेक्टर बनने के बाद आपकी टीम में से एक आदमी को डायरेक्टर किसी भी एक लेग में बनाएंगे तो ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए आप क्वालिफाई हो पाएंगे। यानी प्लान हमारा ऐसा है कि आपको टीम में अपने जैसे लोगों को क्रिएट करना होगा सपोर्ट करके, तभी आप 2nd प्रमोशन ले पाएंगे। तो देखिए, जैसे माना पहले लेग में सबसे पहले इंसान को आपने डायरेक्टर बना दिया, इस लेग में कोई भी पहला इंसान हो या नीचे का कोई भी इंसान हो, एक डायरेक्टर होने से मतलब है। अब ये डायरेक्टर तो बन गए, अब आपको ब्रॉन्ज बनने के लिए क्या करना होगा। तो पहली चीज, ये जो डायरेक्टर बने हैं इनको करंट मंथ का, जिस महीने आपको ब्रॉन्ज प्रमोशन लेना है उस महीने डायरेक्टर लेवल से 25,000 BV का करंट मंथ का सेल होना चाहिए। उसके अलावा जो साइड से जो से मेंटेन आपको करना है वो करना है 20,000 बिजनेस वॉल्यूम का। ये 20,000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे मेंटेन होता है, ये जो डायरेक्टर लेगा इधर से 25,000 BV और बाकी के ये 1, 2, 3 लेग जो भी है इस सबको मिलाकर और आपकी स्वयं की खरीदारी मिलाकर 20,000 BV भी आप करते हैं, तीनों लेग प्लस स्वयं की खरीदारी मिलाकर भी 20,000 BV करते हैं तो भी आपका साइड मेंटेन कंप्लीट हो जाता है, जबकि स्वयं की खरीदारी पे आपको 500 BV करना अनिवार्य होता है, लगभग 1200 से 1500 की खरीदारी करना अनिवार्य होता है। जब तक आप डायरेक्टर नहीं बने थे तब तक अनिवार्य नहीं था, लेकिन डायरेक्टर ब्रॉन्ज या अपर के लेवल पे आपको 500 BV मिनिमम करना होता है। अब देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपको लगातार इस प्रोसेस को बाकी जनरेशन प्लान की तरह यहाँ पे 2 महीना 3 महीना आपको इसको लगातार मेंटेन नहीं करना, कि जिस भी महीने में पहली बार आपने मेंटेन किया आपका डायरेक्टली ब्रॉन्ज डायरेक्टर का आपका प्रमोशन हो जाता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर का जैसे ही प्रमोशन आप हासिल करते हैं सबसे पहली इनकम आपको मिलती है डेट इज ट्रेवल फंड, 2% कंपनी टर्नओवर में से, कंपनी के टर्नओवर में से 2% आपको ट्रेवल फंड मिलता है जो कि ब्रॉन्ज एंड एवब के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, ब्रॉन्ज बनने से पहले जो 3 इनकम आपको मिल रही थी, डिफरेंशियल कमीशन, दूसरी इनकम जो थी डायरेक्टर फंड और तीसरी इनकम थी टीम बिल्डिंग बोनस, उनमें से जो 1 इनकम टीम बिल्डिंग बोनस है वो बंद हो जाएगा ब्रॉन्ज बनते ही और जो डिफरेंशियल कमीशन है और डायरेक्टर फंड है वो मिलता रहेगा। अब देखिए, लीडरशिप बोनस जो 2nd इनकम जो आपको मिलता है ये आपके ग्रुप टर्नओवर का आता है, ये कंपनी टर्नओवर का नहीं आता। लीडरशिप बोनस आपकी बहुत बड़ी इनकम होती है, किसी भी जनरेशन प्लान में इन फ्यूचर आपका 10, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का जो भी पे आउट बनेगा उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर कोई इनकम देगा दैट इज लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस आपका हमारे यहाँ पे बहुत सिंपल है, 2nd डेयर तक आपको लीडरशिप बोनस मिलता है 553। ये 553 का क्या मतलब है,
ये जो सेकंड फाइव है ये लेवल वन है और ये जो थ्री है ये डेट इज जो है लेवल टू है। ये जो पहला फाइव है ये आपका खुद का साइड मेंटेन का मिलता है, खुद का जो 20,000 का साइड मेंटेन किया उसका 5% लीडरशिप बोनस आएगा। लेवल वन में जो पहला डायरेक्टर जो क्वालिफाइड डायरेक्टर होगा उसके टर्नओवर का 5% आएगा और उसके नीचे भी अगर कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर है तो उसके टर्नओवर का आपको 3% आएगा। तो ऐसा करके है लीडरशिप बोनस और फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके लिए मैं बहुत जल्दी आपको एक सेपरेट वीडियो बना के देने वाला हूं ट्रेनिंग का कि किस तरीके से डॉक्टर नेचर वेलनेस फंड्स और लीडरशिप बोनस को कैलकुलेट करती है। हमारे यहाँ सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप खुद से पेपर पे भी कैलकुलेट करके अपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम निकाल सकते हैं। उसको लेकर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड जो आपको इनकम यहाँ पे स्टार्ट होती है ब्रोच बनने के बाद डेट इज बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस। ये अपने आप एक बहुत बड़ी यूएसपी है। ब्रोच जैसे लेवल पे कंपनी अपने टर्नओवर का एक बहुत बड़ा पार्ट 8% आपको कंपनी टर्नओवर का दे रही है और यही इनकम है जिसका मैंने मजबूती से जिक्र किया था यूएसपी वाले वीडियो के अंदर कि यहाँ पर अगर आप साइड मेंटेन किसी महीने नहीं भी कर पाते हैं तो बाकी कंपनियों की तरह हमारे यहाँ पे इनकम जीरो नहीं होता। जैसे कि आप 25,000 और 20,000 आप किसी महीना मेंटेन नहीं भी कर पाए तो बाकी कंपनी में इनकम जीरो हो जाती है, आपको कुछ भी नहीं मिलता, जिस कारण से बल्क बाइंग की नौबत आती है। और यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अगर किसी कारण से ये 20,000 आपका चूक भी गया और किसी भी दो अलग अलग लेग में 10,000 बीबी और 10,000 बीवी का भी मात्र टर्नओवर होता है तो भी आपको ये 8% कंपनी टर्नओवर का आपको मिलता रहेगा। और इसकी एक दूसरी खासियत क्या है, ये अनलिमिटेड डेप्थ के भी टर्नओवर को काउंट करता है, जिसको लेकर मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी दो लेग के बाइंडी या दो लेग के जनरेशन प्लान में आपकी जो इनकम आती है वो वीकर लेग के यानी जो आपका कमजोर लेग होता है उसके मैचिंग के अकॉर्डिंग आती है। यानी कि किसी भी दो लेग के प्लान में अगर एक लेग में 10 लाख का बिजनेस आया दूसरे लेग में 10,000 का आया तो आपको सिर्फ 10,000 का ही आपको लाभ मिलेगा, 1 से 2,000 रुपया जो भी बनेगा उस प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर आपका ये अनलिमिटेड डेप्थ का टर्नओवर उठाती है, अगर ये जो 10,000 है अगर यहाँ पे 10 लाख का भी टर्नओवर अगर आ जाए, 10 लाख बीवी का भी अगर टर्नओवर यहाँ पे आ जाता है और दूसरे लेग में मात्र 10,000 बीवी भी हमारे प्लान में यदि आता है तो आपकी जो इनकम बनेगी जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा वो 10 लाख 10,000 बीवी के अकॉर्डिंग करेगा। यानी बाकी जगह पे जहां 1,000 रुपया बताता हूं हमारे यहाँ कम से कम 20,000 रुपया आपको बनेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है टर्नओवर और आपके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। खैर इसके बारे में जो है मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, आगे की तरफ हम लोग जाते हैं। लेकिन ये प्लान की बहुत बड़ी यूएसपी है जिस कारण से मिडिल लेवल पे हमारे यहाँ लोग हताश निराश नहीं होते और ऐसे ऐसे लोग जो बाइंडरी में भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे और आज इस प्लान के अंदर धमाल मचा रहे हैं और लाखों रुपए का पे आउट यहाँ से बड़े इजिली ले रहे हैं। देखने में भले 4 लेग का प्लान है लेकिन यकीन मानिए 2 लेग के प्लान से भी ज्यादा इजी है। दूसरी चीज अगला जो लेवल है डेट इज क्या है, सिल्वर डायरेक्टर। ये हमारा थर्ड लेवल है। सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना है, दो अलग अलग लेग में डायरेक्टर क्वालिफाई कराना है, दोनों डायरेक्टर लेग क्वालिफाई होने चाहिए यानी 25,000 बीवी आना चाहिए। उसके अलावा जो साइड मेंटेन है वो 15,000 बीवी का है। यानी इन दोनों लेग के अलावा यदि आपका तीसरा चौथा चल रहा है तो तीसरा चौथा और आपकी स्वयं की खरीदारी मिलाकर 15,000 बीवी होती है तो उसी महीने आप सिल्वर डायरेक्टर लेवल को क्वालिफाई कर जाते हैं। और सिल्वर डायरेक्टर लेवल को क्वालिफाई करते ही पहले की सारी इनकम आती रहेगी, ये जो तीनों इनकम है ये भी मिलती रहेगी, एक नई इनकम स्टार्ट हो जाती है टू व्हीलर फंड, ये भी कंपनी टर्नओवर का 2% आपको नया मिलना शुरू हो जाता है। लीडरशिप बोनस आपको यहाँ सेकेंड डेप्थ तक आ रहा था, यहाँ थर्ड डेप्थ का भी लीडरशिप बोनस आपको मिलना शुरू हो जाता है जो कि आपके ग्रुप टर्नओवर का आता है। 5, 5, 3 और 2% भी फोर्थ डेप्थ यदि आपकी टीम में बिल्ड है तो उसका 2% भी आने लगता है। और एक सबसे खास बात बिजनेस बिल्डिंग 3x बोनस, जैसे यहाँ नो साइड मेंटेन इनकम एक यूएसपी के तौर पे एक शानदार इनकम आपको मिल रही थी 8% 2 लेग से 10,000 कराने पे, यदि आपका 3 लेग चलना है और तीनों लेग से मिनिमम 10,000 बीवी भी करा दिया तो आपको ये 8+8 ये भी 8 मिलेगा और ये 8 ऊपर से 3x भी आपको मिलेगा और ये बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। अगर मैं जैसे पहले मैंने बोला कि किसी भी 2 लेग के प्लान में 10 लाख और 10,000 करो तो 1 से 2,000 का कमीशन बनेगा, लेकिन हमारे यहाँ 10 लाख अगर एक लेग में आया दूसरे में अगर आपने 10,000 किया तो 20,000 के आसपास बनेगा ही बनेगा। और कहीं अगर तीसरे लेग में देखिए
मैंने क्या बोला, एक लेग में सिर्फ 10 लाख है, दूसरे में 10,000 किया तो 20,000 के आसपास लगभग बच जाएगा, और कहीं तीसरे में भी 10,000 कर दिया तो 20-30,000 और जोड़ दीजिए, 40-50,000 रुपए तक भी आपकी इनकम जा सकती है। ये प्लान की ताकत है, क्योंकि अनलिमिटेड डेप्थ का टर्नओवर पूरा कैलकुलेट करती है, पावर भी कर दी होता, सारे लेग का टर्नओवर कैलकुलेट होता है। बस मिनिमम कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, यानी कि 10,000 बीवी कम से कम होना चाहिए। आइए आगे के लेवल पे हम लोग बात करते हैं। अगला जो लेवल है वो है गोल डायरेक्टर, ये हमारा फोर्थ लेवल है। गोल डायरेक्टर बनने के लिए ये जो पीछे के तीन जो आपके डायरेक्टर ले गए, ये तीनों क्वालिफाई होने चाहिए, यानी कि 25-25,000 बीवी सेपरेटली आना चाहिए, और साइड विंटेज अब आपका होना चाहिए मात्र 10,000 बीवी, यानी कि आपका चौथा लेग और स्वयं की खरीदारी मिलाकर 10,000 बीवी होता है, तो आप फोर्थ लेवल यानी कि गोल डायरेक्टर डेजिग्नेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं उसी महीने में। देखिए गोल्ड डायरेक्टर बनते ही आपको जो नई इनकम मिलती है, पहले की ये सारी इनकम आपको मिलती रहेगी, और आपको फोर व्हीलर फंड के नाम से कंप्लीट टर्नओवर का 2% एक नया इनकम स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ ही साथ लीडरशिप बोनस जो यहाँ पे जो है आपको थर्ड डेप्थ तक मिल रहा था, यहाँ आपको फोर्थ डेप्थ का भी मिलना शुरू हो जाता है, फोर्थ डेप्थ का भी आपको जो है 2% आना शुरू हो जाता है, और बिजनेस बिल्डिंग 4x बोनस के नाम से फिर से कंपनी टर्नओवर का 5% नया और मिलने लगता है, जो कि रनिंग लेग के टर्नओवर के अकॉर्डिंग आता है। साइड मेंटेन नहीं भी हुआ तो भी आपको ये इनकम आ रही है। इसके पहले भी मैंने बताया था बिजनेस बिल्डिंग 2x बोनस 8%, 3x बोनस 8%, और यहाँ पे गोल्ड बनते ही 4x भी स्टार्ट हो जाता है। यदि आप 10,000 बीवी 2 लेग से करते हैं तो ये 2x 8% मिलेगा, 3 लेग से आप करते हैं तो 3x 8% मिलेगा, और अगर आपने चारों लेग से मिनिमम 10,000 बीवी भी कर दिया तो ओवरऑल टोटल टर्नओवर पे आपको 4x बोनस भी 5% मिलेगा। 8+8+5 कुल मिलाकर 21% कंपनी टर्नओवर का आपको यहाँ पे बिना कोई साइड मेंटेन किए रनिंग लेग से भी टर्नओवर हो रहा है तो भी मिल रहा है, और टोटल टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी इनकम है। शुरुआत में जब तक आप 5 लाख 7 लाख का जब तक आप पेआउट उठाते हैं तब तक आप क्या देखेंगे, जैसे हम लोग का जो मेरा एवरेज पेआउट महीने का लगभग 4 लाख रुपए का रहता है आज की डेट में, और मैं अभी पिछले 1.5 साल में यानी कि पिछले 18 महीने में इस प्लान से डॉक्टर नेचर वेलनेस से मात्र मुझे 1.5 साल हुए इस कंपनी में ज्वाइन की है, और मैं अभी तक मोर देन 51 लाख यानी 51 लाख से ज्यादा मैं अर्निंग कर चुका हूं, और मेरे भी पेआउट का जो आप पूरा टेबल देखेंगे, पेआउट का चार्ट देखेंगे, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 8+8+5 सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी इनकम का होता है। और फाइनल हम आते हैं, अगर आपका चारों लेग डायरेक्टर हो गया, चारों लेग डायरेक्टर हो गया, क्वालिफाई अगर एक महीने में होता है कि चारों लेग से मिनिमम 25,000 बीवी भी आता है तो साइड मेंटेनेंस लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट रह जाता है, लगभग खत्म होना हो गया ऐसा समझिए, मात्र 2500 बीवी आपको 6-7,000 रुपए की परचेजिंग 2500 बीवी मात्र करना रहता है। जनरली 2500 बीवी करने के लिए कोई नया लेग ओपन करने की जरूरत नहीं होती, हम सारे लोग हैं अपनी खुद की आईडी पे जहां 500 बीवी कर रहे हैं तो वहां 2500 बीवी करने लगते हैं, तो साइड मेंटेन अपने आप हो जाता है, और अगले लेवल पे जब आप डायमंड बनेंगे जो कि अगला लेवल है उसके बाद ये भी बंद हो जाता है, आपको सिर्फ 1000 बीवी करनी होती है। तो देखिए रूबी डायरेक्टर जैसे ही आप चारों लेग को डायरेक्टर बनाए, 25-25,000 बीवी किया और साइड मेंटेन 2500 बीवी खुद की आईडी पे खरीदारी कर लिया तो आप रूबी डायरेक्टर यानी कि हमारा फिफ्थ लेवल को आप यहां पे क्वालिफाई कर जाते हैं। डॉक्टर नेचर वेलनेस मैं यहां पे एक दो बात बताऊंगा, एक ऐसा बिजनेस प्लान है जनरेशन प्लान के अंतर्गत जो आप कभी भी किसी भी कंपनी में गोल्ड डायरेक्टर रूपी डायरेक्टर लेवल पे जनरली आप 20-30-35-40 या मैक्सिमम कभी देखा होगा तो 45-50,000 का पेआउट देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे मात्र गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे 1-1 लाख का पेआउट जनरेट हो चुका है। कई लीडर हैं जो 1-1 लाख का पेआउट गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे उठा चुके हैं इस इनकम की बदौलत, जो मैंने बोला अनलिमिटेड डेप्थ के टर्नओवर पे अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है, और रूबी डायरेक्टर लेवल पे तो एवरेज 1 लाख रुपया से ज्यादा महीना तो रेगुलरली बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, और मैं जब रूबी डायरेक्टर लेवल पे था तो मैं 2,20,596 रुपए का पेआउट मात्र रूबी डायरेक्टर लेवल पे उठा चुका हूं। एक ऐसी कंपनी जहां पे बहुत कम टर्म्स एंड कंडीशन है और उसके बावजूद रूबी डायरेक्टर लेवल पे इतना बड़ा पेआउट आ सकता है। देखिए जैसे रूबी डायरेक्टर बनेंगे पिछली ये सारी इनकम आपको मिलती रहेगी, बंद कोई भी इनकम नहीं होती है, और आपकी एक नई इनकम शुरू हो जाएगी हाउस फंड, वो होगा कंपनी टर्नओवर का फिर से 2% और उसके बाद जो लीडरशिप बोनस है वो आपकी फिफ्थ डेप्थ से भी 1% आनी स्टार्ट हो जाएगी, यदि आपका फिफ्थ डेप्थ है तो उधर से भी 1% आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल आपने देखा कि रूबी लेवल पे आते आते आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
3, 3, 6, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 प्रकार की इनकम तो आपने यहीं पर देख ली, और पहले का जो एक्युमुलेटिव बोनस वगैरह है वो तो आपको मिल ही रहा है। कुल मिलाकर आप देखते हैं तो रूबी लेवल पे इस प्रकार से सारी इनकम मिलती है, और मैंने प्रयास किया है आपको डिटेल में एक एक कंडीशन से आपको अवगत कराया है। अब यहां से मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछले जो भी वीडियोज हैं पहले का प्लान देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें, और अगला जो वीडियो होगा जो फिफ्थ वीडियो होगा इस बिजनेस प्लान का, डॉक्टर नेचर वेलनेस के बिजनेस प्लान का, वो फाइनल और आखिरी वीडियो होगा जिसमें इसके ऊपर से लेकर फाइनल लेवल तक के प्लान को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। एक बार मैं फिर से आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस क्राउन फैक्ट्री नाम के हमारा जो चैनल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करिए। डॉक्टर नेचर वेलनेस से जुड़े हुए लोगों को तो बिल्कुल करना चाहिए, रेगुलर हम आपको सपोर्ट करते हैं, और यदि आप किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। रेगुलरली आपके नॉलेज को अपडेट करने के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे वीडियोज हम अपलोड करते हैं जिससे कि आपको आपकी कंपनी में मदद मिलेगी। तो